यहाँ मैं ये कहना जरूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैंने किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी, लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को एन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है। और यदि यूपी में तिकोना संघर्ष हुआ होता जिसकी पूरी पूरी संभावना भी थी तो तब यहाँ यूपी के परिणाम बीएसपी की अपेक्षा के मुताबिक आते तथा फिर भाजपा को सत्ता में आने से रोक लिया जाता। अर्थात कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है। ये काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।